जो सफर इख्तियार करते हैं जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो कीजिए। कई बार ऐसे मुसाफिरों के रास्ते भी इंतजार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी प्रकार का मन में शंका है, किसी भी प्रकार की सोच है, किसी प्रकार की दुविधा है, तो उस दुविधा से दूर होने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। अपने योग्यता के बारे में, अपने सामर्थ्य के बारे में जो सोचने का प्रयास कीजिए और अपने लक्ष्य का निर्धारण करके उस दिशा में बढ़ने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज भारतीय संविधान के एक अत्यंत लोकप्रिय टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान का भाग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में अवश्य एक सवाल पूछा जाता है। पिछले 10 वर्षीय अगर पेपर का विश्लेषण किया जाए तो ये मान करके चलिए कि यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग से लगभग जो है वर्षों में यहां से सवाल पूछे गए हैं। अर्थात अगर भारतीय संविधान के भाग और उसमें किए गए प्रावधानों के बारे में अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो परीक्षा में एक सवाल का लगभग सही होना तय माना जा सकता है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के भाग, जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 22 भाग में अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर इस बात को भी जान लेना आवश्यक है कि कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर बाद में कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया है जिससे उनकी संख्या बढ़ गई है। लेकिन अगर हम अंकगणितीय अंकों की तरह देखें तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग ही हैं। तो आइए हम एक एक करके भारतीय संविधान के भाग और उसमें निहित प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यहां पर एक से लेकर चार, अनुच्छेद एक से लेकर चार के बीच में भारतीय संविधान के भाग एक के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है और यह अनुच्छेद एक से लेकर के चार के बीच में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद एक में, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत से विद यूनियन ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से भारतीय संघ व्यवस्था के लिए फेडरेशन के स्थान पर यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद दो के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है कि बाहर के भूभाग को, बाहरी क्षेत्र को अगर राज्य के रूप में शामिल किया जा रहा है तो वो आर्टिकल दो के अंतर्गत होगा। यहाँ पर दो और तीन में काफी कंफ्यूजन होता है तो इस प्रावधान को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि अनुच्छेद दो के अंतर्गत बाहरी राज्यों के बाहरी भूभाग को भारतीय भूभाग और भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत शामिल करने के लिए अनुच्छेद दो के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद तीन के अंतर्गत वर्तमान भारतीय भूभाग और संप्रभुता के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र या इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर करना हो तो वो भाग अनुच्छेद तीन के अंतर्गत व्यवस्थित और उपबंधित किया जाता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद एक से लेकर चार के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग दो के अंतर्गत नागरिकता का जो है प्रावधान किया गया है एक से लेकर चार के बीच में, और यह जो है एक से लेकर चार के बीच में यहां पर प्रावधान किया गया है, और यह पांच से लेकर ग्यारह के बीच में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि किस तरीके से लोगों को भारत में नागरिकता दिया जा सकता है और स्वतंत्रता के समय किन लोगों को नागरिक माना गया। बाद में यदि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति यहाँ पर निवासी हो जाता है तो किस तरीके से उसको नागरिकता यहाँ प्रदान किया जा सकता है, उसके संदर्भ में भारतीय संविधान के भाग दो में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और ध्यातव्य है कि भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो इस तरीके से पांच से ग्यारह के बीच में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग तीन के अंतर्गत किया गया है और यह
आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, 12 से लेकर के 35 के बीच में भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार के चैप्टर में हम मौलिक अधिकार के प्रकार और उसके अंतर्गत किए गए प्रावधानों पर व्यापकता के साथ चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर हम इस बात को केवल स्पष्ट कर रहे हैं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 15 के बीच में। यहाँ पर आर्टिकल को भी लिया स्पष्ट कर दिया जा रहा है क्योंकि कई बार परीक्षा में आर्टिकल को भी मिलान के लिए पूछा गया है, तो इस तरीके से इसके साथ में आर्टिकल का भी अध्ययन कर लेना आवश्यक है। और एक बात और स्पष्ट कर दिया जाए, ये भारतीय संविधान के अनुसूची और भाग और उसमें उपबंधित किए गए प्रावधानों के साथ साथ उस अनुबंध के लिए किए गए जो भी आर्टिकल व्यवस्था की गई है, जो भी अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है, अगर इसका अध्ययन कर ले तो काफी कुछ जानकारी हमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए भाग और उसमें किए गए उपबंध के साथ साथ हम उसमें निहित आर्टिकल के बारे में भी जानकारी कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 36 से लेकर 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था किया गया है। नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में मूल है, भारतीय राज व्यवस्था के लिए मूल है, जिसके माध्यम से यहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र, यहाँ जनता के कल्याण के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बनाने के संदर्भ में राज्य को एक जो है गाइडलाइन जारी किया गया है, उसका समुचित नीति निदेशक तत्वों के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य मूल रूप में शामिल नहीं किया गया था, इसे भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत 51 का, 4 का और 51 का के अंतर्गत, भाग 4 का है और आर्टिकल 51 का, चूंकि बाद में जोड़ा गया है इसलिए विद्यमान आर्टिकल के अंतर्गत ही आर्टिकल का प्रावधान कर दिया गया है और 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। यहाँ से कई बार पूर्व में परीक्षा में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी और पीसीएस और आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए समान रूप से यह टॉपिक उपयोगी है। तो संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के स्वरूप, यहाँ की शासन प्रणाली, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के वितरण इत्यादि की व्यवस्था को स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 के बीच में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो पूर्व में यहाँ पे कई अध्याय हैं, चूंकि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कई प्रकार के अंगों को शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ पे इस भाग को अध्याय के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। तो अध्याय 1 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर कार्यपालिका का जो प्रावधान किया गया है, कार्यपालिका का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, और दूसरे भाग में संसद की व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका का प्रावधान 52 से लेकर 78 के बीच में की गई है। ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 में पूरी संघीय व्यवस्था है, लेकिन संघीय व्यवस्था को चूंकि कई भागों में, कई अध्यायों में बांट दिया, ये एक भाग है और ये अध्याय है, ये एक अध्याय है, तो इस तरीके से अध्याय में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला अध्याय जो है कार्यपालिका है, 52 से लेकर 78 के बीच में। दूसरा अध्याय संसद है जो कि 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल का प्रावधान है, और अनुच्छेद या आर्टिकल 79 से लेकर 122 के बीच में संसदीय व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है। और तीसरा अध्याय कार्यपाल राष्ट्रपति की, तीसरा अध्याय राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है, तीसरा अध्याय राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया है। तीसरा अध्याय राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है।
और इसी तरीके से चौथा अध्याय उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है 124 से लेकर 147 के बीच में यहां पर यह व्यवस्था की गई है। अध्याय चार में 124 से लेकर 147 के बीच में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और पांचवा अध्याय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है 148। तो इस तरीके से यहां पर पांच अध्यायों की व्यवस्था की गई है और ये अध्याय स्वयं भाग पांच के अंतर्गत निहित है। तो इस तरीके से यह स्पष्ट होता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में भाग पांच के अंतर्गत संघीय व्यवस्था की और उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के अंतर्गत कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, उच्चतम न्यायालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। जिस तरीके से संघीय व्यवस्था 52 से 151 के बीच में उल्लिखित था, उसी तरीके से प्रांतीय व्यवस्था अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में उल्लिखित है और इसमें भी उसी तरीके से अध्यायों का वर्णन किया गया है जिस तरीके से भाग पांच के अंतर्गत संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, संसद और इन सभी अंगों उनके कार्यों का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर जिस तरीके से संघीय कार्यपालिका है उसी तरीके से अगर प्रांतों में देखा जाए तो वहां पर प्रांतीय कार्यपालिका का प्रावधान है, यहाँ संसद है, वहां पर विधानमंडल है, यहाँ पर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं और वहां पर राज्य विधायी शक्तियां हैं, वहां पर राज्यपाल की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय है और वहां पर उच्च न्यायालय का प्रावधान है, यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। तो चूंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था प्रांतीय व्यवस्था में, राजनीतिक प्रणाली में नहीं है, तो वहां पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय के पूर्व में अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से पांचवा जिस तरीके से संघीय व्यवस्था से संबंधित है उसी तरीके से छठा भाग जो प्रांतीय व्यवस्था और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंगों की शक्तियां, कार्य इत्यादि का वर्णन करता है। और भाग सात पूर्व में व्यवस्था किया गया था लेकिन बाद में इसको निरसित कर दिया गया। निरसन का तात्पर्य होता है कि डिलीट कर दिया जाना, जो कि समय के अनुसार उपयोगी नहीं रह गया, तो इस तरीके से इस व्यवस्था को यहां से डिलीट कर दिया गया। और अगला प्रावधान है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र की व्यवस्था अनुच्छेद 239 से लेकर 242। भाग 9 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र की व्यवस्था अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 के अंतर्गत वर्णित की गई है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ध्यातव्य है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इसी तरीके से भाग 9 और 9 का यह स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। 9 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था और 9 के अंतर्गत नगर क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये पंचायतों की व्यवस्था अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ, ये अल्फाबेट क्रम ABCD का आगे ओ अल्फाबेट है, जो कि 243 से लेकर 243 ओ तक की व्यवस्था में के अंतर्गत पंचायत की व्यवस्था करता है। इसी तरीके से नगर पालिका भाग 9 का के अंतर्गत 243 अंकगणितीय अंक 243 है, इसी में समस्त पंचायत और नगर पालिकाओं की व्यवस्था कर दी गई है। तो चूंकि यहाँ पे ओ था तो हम उसी से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, 243 पी से लेकर 243 जेड हो जाएगा, और जेड पे पहुंचने के बाद पुनः जो है ए से शुरू कर देंगे तो यहाँ पे जी हो जाएगा। तो इस तरीके से 243 पी से लेकर 243 जेड जी, यानी कि अल्फाबेट क्रम जेड पर समाप्त हो गया तो पुनः ए से स्टार्ट हुआ। तो ये व्यवस्था नगर पालिका यानी कि नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था करता है। पंचायतों के अंतर्गत वहां पर स्कूल, भूमि सुधार के कार्य,
प्रकाश की व्यवस्था, सोलर लाइट की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था और इसी तरीके से जो है स्कूल इत्यादि शिक्षा की व्यवस्था पंचायतों के द्वारा स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। नगर पालिका के क्षेत्र में 243 पी से लेकर 243 जेड जी अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 9 के द्वारा जो है प्रावधान किया गया है। इस तरीके से भाग 9 तक, भाग 9 और 9 का में पंचायत और नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। और भाग 10 अगर देखा जाए तो अनुसूचित और जनजात क्षेत्रों में, अनुसूचित एवं जनजात क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए के बीच में, 244 से लेकर 244 आर्टिकल के बीच में अनुसूचित एवं जनजात क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था की गई है। और अगला भाग है 11, भाग 11 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध की व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से केंद्र एवं राज्यों के बीच विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक विषयों पर एक दूसरे से समन्वय स्थापित किया जाएगा और एक दूसरे की सहायता करते हुए देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये भाग 11 के अंतर्गत संघ राज्य के बीच में संबंधों का जो है वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 के बीच में ये व्यवस्था की गई है। ये संघ और राज्यों के बीच में प्रावधानों को स्पष्ट करता है। इसी तरीके से अगला जो प्रावधान है वित्त संपत्ति संपदा योग वाद, यह वित्तीय प्रकार के मामले हैं जिसमें केंद्र और राज्य के विभिन्न प्रकार के स्रोतों, कर के लगाने की शक्ति, करों से प्राप्त आय के बंटवारे इत्यादि का जो प्रावधान इसमें किया गया है भाग 12 के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। और यह प्रावधान अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए के बीच में वित्त संपत्ति संपदा योग वाद से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगला प्रावधान भाग 13 के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य के बारे में प्रावधान किया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम, समागम का मतलब आना और जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में किस तरीके से व्यापार इत्यादि की गतिविधियां संचालित की जाएंगी, उससे संबंधित प्रावधान भाग 13 के अंतर्गत किया गया है। और यह अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच में उल्लिखित है। अगला भाग 14 है। इस भाग 14 के माध्यम से केंद्र एवं राज्य के बीच में, संघ या राज्य के बीच में लोक सेवाओं का प्रावधान किया गया है। और इन लोक सेवाओं के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। इनके गठन, इनके शक्तियां, कार्य संरचना और इनके रिपोर्ट इत्यादि के बारे में प्रावधान संघ एवं राज्य सेवाओं के बारे में किया गया है, जिनके द्वारा प्रांतों में और संघ में नागरिक सेवाओं के अंतर्गत जो है भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और अभ्यर्थियों का चयन करना, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इसमें एक भाग 14 का अलग से जोड़ा गया है, इसमें 323 ए और बी है। इसके माध्यम से अधिकरण की व्यवस्था की गई है और अधिकरण में केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण 23 ए के अंतर्गत और अन्य अभिकरणों को 23 बी के अंतर्गत व्यवस्था किया गया है। तो इस तरीके से अधिकरणों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 का में किया गया है। और भाग 15 ये निर्वाचन से संबंधित है और निर्वाचन के लिए भारत में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जो देश के महत्वपूर्ण चुनाव जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, संसद के अंतर्गत जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित चुनावों का संचालन करती है, इसके पूर्व में निर्वाचक नामावलियां बनाती है इत्यादि संबंधित कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में किया गया है। 324 से लेकर 329 के बीच में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसी तरीके से कुछ वर्गों के लिए
इसी तरीके से कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। स्वतंत्रता के समय कुछ ऐसे वर्गों के बारे में महसूस किया गया कि उनकी स्थिति इस तरीके से है जिनके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए जाने की अपेक्षा है, तो इसलिए भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए उपबंध किया गया है और इससे संबंधित उपबंध अनुच्छेद 330 से लेकर 342 330 से लेकर 342 के बीच में किया गया है। इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग, अनुसूचित जातियों के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के चुनाव में इनकी व्यवस्था, इनकी सीटों की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के सेवाओं में इनके दावे के संदर्भ में प्रावधान इस विशेष उपबंध के अंतर्गत भाग 16 में किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के बीच में किया गया है। अगला जो प्रावधान है वो राजभाषा से संबंधित है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है और भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 345 से लेकर अनुच्छेद 351 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में राजभाषा का प्रावधान किया गया है कि किस तरीके से राजभाषा के संदर्भ में प्रावधान किया गया और इसके लिए अलग अलग प्रांतों की क्या भाषाएं हो सकती, न्यायालयों के संदर्भ में, और इसी तरीके से राष्ट्रपति को इसमें अधिकार दिया गया है कि किस तरीके से वो किसी भाषा को प्रांत की भाषा घोषित कर सकते हैं। तो राजभाषा के बारे में प्रावधान भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में किया गया है। आपातकालीन उपबंध, विशेष प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था की गई है। भारत में तीन प्रकार के आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था की गई है। भारत में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में भारत के किसी एक भाग में या पूरे भाग में आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसी तरीके से अगर किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। इसी तरीके से कहीं पर या पूरे भारत में अगर वित्तीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किए जा सकते हैं। तो आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में किया गया है। 352 से 360 के बीच में किया गया है। तो यहां पर संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान, अस्थायी संक्रमणकालीन नियम, विशेष प्रकार के उपबंध और इसी तरीके से संक्षिप्त नाम प्रारब्ध हिंदी में प्राथमिक पाठ, ये क्रमशः 19, 20 और 21 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया। प्रकीर्ण से तात्पर्य है विविध, जिसको अंग्रेजी में मिसलेनियस कहा जाता है, विविध प्रकार के जो उपर्युक्त उल्लिखित भागों में जिन प्रावधान को स्पष्ट नहीं किया जा सका है उसे प्रकीर्ण भाग के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है। और यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के और इसी तरीके से संसद और राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार का वर्णन इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यह अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 के बीच में उल्लिखित है। मतलब प्रकीर्ण से संबंधित प्रावधान जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकार की बात कही गई है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 19 के अंतर्गत अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के बीच में किया गया है। संविधान संशोधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 368 के बीच में, 368 के माध्यम से संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत किया गया है। और ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में तीन प्रकार के संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है, साधारण बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से, और विशिष्ट बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा किसी प्रावधान का समर्थन करना। तो इस तरीके से संविधान संशोधन की व्यवस्था 368 के द्वारा किया गया है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी का मतलब जो
कुछ समय के लिए जिसकी व्यवस्था किया जाए और उस उद्देश्य को पूरा होने के बाद वो प्रावधान समाप्त हो जाए। संक्रमणकालीन एक स्थिति से दूसरे स्थिति में पहुंचने के बीच की जो व्यवस्था होती है वो संक्रमणकालीन होती है। भाग 21 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारब्ध और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, भारतीय संविधान की हिंदी प्राधिकृत पाठ किया। 1985 ईस्वी में भारतीय संविधान को हिंदी में जो है भी इसका अनुवाद किया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में किन प्रकार के प्रावधानों को व्यवस्थित किया गया है, किन प्रकार के उपबंधों का प्रावधान किया गया है, उन उपबंधों के साथ साथ हम लोगों ने आज के क्लास में उससे संबंधित अनुच्छेद का भी अध्ययन किया, क्योंकि कई बार भाग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, मिलान करने से संबंधित सवाल यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। PCS IAS की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ PGT और PGT में यहाँ से हमेशा से सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो इस लिहाज से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें हमने भाग और अनुच्छेद और महत्वपूर्ण उपबंधों का अध्ययन किया। आप इस भाग और इस लेक्चर के साथ साथ अपनी संपूर्ण तैयारी को एक व्यवस्थित दिशा देने का प्रयास कीजिए और पुनः हम एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।